सत्याकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो है डॉक्टर जाकिर नायक वर्सेस शेमलेस गर्ल वर्ल्ड डिबेट 2021। तो ये जो वीडियो है वो मैंने मेरा दीन इस्लाम चैनल से लिया है। तो इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि वो शेमलेस गर्ल जो थी, जो हिंदू लड़की थी, उसने डॉक्टर जाकिर नायक से क्या सवाल किया या मतलब किस बात पे उन लोगों की डिबेट हुई थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। بسم الله الرحمن الرحيم। सुन्नत करते हैं। अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कठमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम, हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बेवकूफ आदमी, अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो, ऊपर से कटावा लेकर आओ। भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना जरूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है। अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुभाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रोप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुभाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रोप्यूज, दिस प्रोप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रोप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर वन। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रोप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों ने पैदा किया। पॉइंट नंबर वन मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोडक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं कहने, उसके पैगाम पे अमल करते हैं कहने। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई, जहर। आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई। अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं। उसके कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। और जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आम पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा कि बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर है। लेकिन इस देश, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हक है कि वो कोई भी धर्म का पालन करे, और उसको इजाज़त है कोई भी धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। इस्लाम में लेकिन किसी पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करना हराम है। इस्लाम में भी हराम है, कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो ज़बरदस्ती करना हराम है इस्लाम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? yeah. आप पर किसी ने जबरदस्ती किया? नहीं। आप पे कोई जोर लगा रहा है? नहीं। ताकत का जोर या माली जोर? नहीं। आप मानती है कि एक अल्लाह है, एक खुदा है? yeah. आप मानती है इसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी पैगम्बर है? yeah. इंशाल्लाह, ये देश में मुमानियत नहीं है, इस्लाम में मुमानत नहीं है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको इस्लाम कबूल करने से। इंशाल्लाह मैं आपको अरबी में कलमा पढ़ाऊँगा,
उसके बाद तर्जुमा आप उसे दोहराइए। अशदु अशदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशदु वाशदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ के अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और पैगंबर है और पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जदाए खैर दे और अल्लाह आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। और मैं सारे लोग जैसे कहा मैंने कि हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है हमें उसका साथ देना चाहिए, उसकी जो भी मुश्किल आते उसे दूर करना चाहिए, और जब भी कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है जैसा कि गोया एक नया इंसान जन्म ले रहा है। मैं भी आपसे दुआ करता हूँ कि आप जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। माइक नंबर 2 से भाई का सवाल। भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फिरकों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, सिर्फ वही मजहब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुबहाना व ताला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे, और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन दूसरे मज़हब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने जितने पैगम्बर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था, वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह एक खुदा की इबादत करो, और उस खुदा उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन मज़हब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए, फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट आई जिस तरीके से मैंने कहा था सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से अपने फ़ायदे के लिए, उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है और वो जो चीज़ कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहाँ के लिए। तो दीन मज़हब अल्लाह का सिर्फ एक है इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह की तरफ से उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम सारे मज़हब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। वैदानियत के बारे में उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मजहब मानते हैं कि अल्लाह एक है,
और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मजहब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मजहब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मजहब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मजहब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकाम पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जो हिंदू लड़की ने क्वेश्चन नहीं था, आई थिंक वो कुछ गुस्सा थी, कुछ तो ऐसे जोर जोर से कुछ बोल रही थी कि ऐसा क्यों होता है, ऊपर से क्यों नहीं ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप सब लोगों ने सुना ही कि उसने क्या बोला था, आई डोंट वांट टू रिपीट हर वर्ड्स। तो ऐसा नहीं होता कि ऊपर से भगवान किसी को ऐसे करके भेजे, क्योंकि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ तो बच्चा होने के बाद में कुछ सेरेमनीज होती हैं जो वो लोग परफॉर्म करते हैं, वो चाहे हिंदू हो और मुस्लिम हो, बच्चे होने के बाद में सेरेमनीज की जाती हैं। क्या होता है कि हर रिलीजन की अपनी अलग सेरेमनीज होती हैं, अलग रिचुअल्स होते हैं जो वो लोग परफॉर्म करते हैं बच्चा होने के बाद। कईयों का बच्चा होने के विद इन वन मंथ किया जाता है। कुछ सेरेमनीज ऐसी होती हैं जो जब बर्थ होता है उसके 6 महीने के बाद में करवाई जाती हैं, जैसे कि बच्चों को जो फर्स्ट सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी होते हैं कि बच्चे को उससे पहले ऐसा कुछ सॉलिड फूड या कुछ एक्सटर्नल फूड जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए 6 महीने से पहले। तो ये सब फिर जब कई लोग ऐसे ही करवा देते हैं इंट्रोड्यूस बच्चे को फर्स्ट उनका फूड, और कई लोग प्रॉपर एक सारे अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं, उसके बाद में वो सेरेमनी परफॉर्म करते हैं। तो हम कहेंगे कि हर रिलीजन का अलग होता है, कईयों में बच्चों के हेयर कट होते हैं और कईयों में सर्कमसिजन होता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये रिलीजन ने ऐसा क्यों किया, अगर भगवान ने उनको हिंदू बनाना था तो ऊपर से ही बाल कट करके भेजते जाना, कट करके कुछ भी, मतलब जैसे कि वो लड़की बोली रही थी कि सर्कमसिजन क्यों ऊपर से होकर नहीं आता, ऊपर से होकर आना मीन्स कुछ तो क्वेश्चन होते ही ऐसे नॉनसेंस हैं जिनको आंसर ही नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर जैकी नायक साहब ने बताया है उसका रीज़न, एक तो साइंटिफिक रीज़न होता है कि पहले से बच्चे का नहीं होना चाहिए, और सेकेंडली ये है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मैसेज था कि ये करवानी पड़ेगी, ये सेरेमनी करनी पड़ेगी, तो वो भी एक रिचुअल बन चुका है, तो लोग वो भी करते हैं। और उसमें मैंने देखा है कि वो सारे अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं और बहुत अच्छे से धूमधाम से वो सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि हाँ, और सर्कमसिजन के बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी है, हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, अगर आप गूगल भी करो आपको पता चल जाएगा कि उसके क्या क्या बेनिफिट है होते हैं। सबसे पहले तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, मीन्स बंदे को हाइजीन रखता है। और सेकंड जो होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होते हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने भी इसमें मेंशन किया था कि एड्स होने के चांसेस कम रह जाते हैं, फिर कैंसर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। उसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं लोगों में हो जाते हैं मेल में, तो उसके भी चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि अगर आपका सर्कमसिजन हुआ है तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो भी होने के चांसेस कम हैं। तो ये सारे हेल्थ बेनिफिट हैं जो कि होते हैं लोगों को। बट ऐसा कह देना है कि ऐसा क्यों है, अगर भगवान चाहते तो ये पहले से करके भेजते, या ये तो सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। जैसे कि अगर हमें या आप लोगों को याद हो कि पहले वाली एक वीडियो में हमने देखा था कि उसमें जो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि अल्लाह ने बोला है कि जो भी नीडी हैं, गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी हेल्प करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन लोगों को भी डोनेट करो। तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो लोग अल्लाह पे विश्वास नहीं रखते वो लोग हमेशा बोल देते हैं कि अगर देना होता तो खुदा इनको पहले से ही देके भेजता, ये लोग हमारे ऊपर डिपेंड क्या है इसलिए हम तो नहीं देते। तो ये एक एक्सक्यूज है कि आप देना नहीं चाहते हो इसलिए आप बोल रहे हो कि अगर देना होता तो भगवान ने ये देकर भेज दिया होता है। अगर भगवान सबको ही बहुत सारा पैसा देकर भेज देते तो आप बताइए कि हमारे घर में जो मेड आती हैं, जो कुक आता है,
या हम, ये तो चलो घर की बात हो गई कि मेड आ गई, कुक आ गया, बट अगर हम बाहर भी देखें जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अगर सारे ही वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स वहां पर हो तो लेबर कौन होगी? तो इसीलिए वो सारा एक बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कुछ लोग मतलब गरीब होने ही चाहिए, मीन्स मैं ये नहीं कहती कि रहना चलो ठीक है वो तो, मतलब सब चाहते हैं कि वो अमीर हो जाएं, उनको भी एटलीस्ट भगवान दो टाइम का खाना दे, बट ये एक बैलेंस होता है सोसाइटी का जो मेंटेन रहता है इसे। अगर सब लोग बहुत अमीर हो जाएंगे तो कोई वो काम करने वाला लेबर नहीं रहेगी, और अगर सब लोग ही गरीब हो जाएंगे तो वो लोगों को रोजगारी नहीं मिलेगी। तो ये एक सोसाइटी में बोलो या पूरी दुनिया में एक बैलेंस बना हुआ है कि अगर लेबर होती है तभी उन लोगों को रोजगार देने के लिए जो वेल एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए हुए हैं वो लोग उनको देते हैं, अपने यहाँ पे जॉब रखते हैं और उनको पे करते हैं। जो लोग बिल्कुल ही गरीब हैं एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू वर्क समवेयर, उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऐसे ही देकर दान करके उनकी हेल्प भी की जा सकती है। तो ये दो चीजें हैं। चलिए ये तो हम पुरानी वीडियो के जो कुछ पॉइंट्स थे उसको डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो पे वापस आते हैं। तो इस वीडियो में जो सेकंड में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बताया था, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इस्लाम कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लो, इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लो। वो मतलब सामने वाले की खुद की अपनी विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहता है, तब इस्लाम जरूर उसको हेल्प करता है अपने दीन को दीन में शामिल करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम फोर्सफुली किसी को बोले या इस्लाम धर्म किसी को फोर्स करता रहे कि आप प्लीज हमारा धर्म एक्सेप्ट कर लो, हमारा धर्म एक्सेप्ट कर लो, तो ये चीज नहीं है। क्योंकि ये चीज भी लोग बोलते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनका मोस्टली उनका यही टारगेट होता है कि दूसरे लोगों को भी हम अपने रिलीजन में लेकर आ जाएं, बट डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इस वीडियो में मेंशन किया है कि मतलब इस्लाम कभी भी ऐसा नहीं करता है कि आप किसी दूसरे को फोर्स करो किसी चीज के लिए। तो यहाँ पे एक और चीज मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब के लिए बोलना चाहूंगी कि ही इज अ ट्रू पॉलीमैथ। डॉक्टर जाकिर नायक को ना सिर्फ कुरान के बारे में बल्कि बाकी जो अलग वेद हैं उनके बारे में भी बहुत डेप्थ नॉलेज है, और कभी भी कोई उनसे पूछते हैं और वो ऐसे स्पॉन्टेनियसली उन्हें आंसर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बुक निकाल के उसमें से पढ़ना है, कोई चैप्टर या कोई वर्स रेफर करने के लिए उसको देखना पड़ेगा, वो स्पॉन्टेनियसली आंसर देते हैं उनको और बिल्कुल ठीक आंसर होता है। अदरवाइज बाकी सब लोगों ने तो ऑब्जेक्शन अभी तक उठा दी होती कि वो गलत रेफरेंस दे रहे हैं या कुछ भी। तो ये तो है, मतलब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को बहुत डेप्थ नॉलेज है। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।